दोस्तों, मैं सुजीत आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फोटोशॉप का पांच ऐसे टिप्स और ट्रिक, बोले तो पांच ऐसे वर्क जिसके माध्यम से आपको लगेगा कि हाँ, फोटोशॉप में हमको कुछ आ रहा है। मज़ेदार टिप्स और ट्रिक बताने जा रहा है जिसके माध्यम से आप फोटोशॉप में बहुत कुछ जान सकते हैं। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आप चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फोटोशॉप में आ जाते हैं। फोटोशॉप में आने के बाद एक कोई पिक्चर ले लिया, आप क्या करते हैं, इसमें हम इसका आई को हम कलर करना चाहते हैं। ये इसका जो आई है इसको हम क्या करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं। भूरा हो, जैसा आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार सेलेक्ट कर लिए, फिर आपको क्या करना है, इसमें शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है ताकि इसको भी, बट इससे पहले ये एक लेयर हमको न्यू चाहिए था। चलिए, हम न्यू लेयर ले लिए, और न्यू लेयर लेने के बाद उसके बाद हम इस पे आके हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, इस प्रकार से हम सेलेक्ट कर लें, फिर इसमें भी सिलेक्ट करना है, तो यहाँ भी आने के बाद इसको भी क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना। इस प्रकार सेलेक्ट कर लिए, नहीं शिफ्ट के साथ नहीं हुआ इसीलिए है जो ये सिलेक्ट नहीं हुआ। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लिए, अब सिलेक्ट करने के बाद इसमें हमको क्या करना है, कोई एक कलर डालना है। ठीक, तो जैसा आप इसका आई करना चाहते हैं, बाय द वे हम ब्लू करना चाहते हैं तो ब्लू कर लिए, और उसके बाद इसमें फिल करना है। देखिए, पहले वाला कलर है बोले तो नीला टाइप के है जो डालना है ब्लू, तो इसमें अल्ट के साथ बैक स्पेस, ठीक आ गया। आने के बाद अब क्या करना है, आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाना है, या तो लेयर से चाहिए न तो यहाँ से जाइए, ठीक है। और उसके बाद ये लेयर है, यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन, ठीक। ब्लेंडिंग पे आने के बाद इसका ओपेसिटी यहाँ से हल्का सा कम कर दीजिए, देखिए हल्का सा कम कर दीजिए, अब अपने हिसाब से जैसा आपको रखना है रख सकते हैं, ठीक। और इसका ओपेसिटी भी है, ओपेसिटी पूरा रहने दीजिए। इसका ब्लेंडिंग जो ओपेसिटी है यहाँ से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से इस प्रकार से कंट्रोल डी से डिसलेक्ट, आप देख सकते हैं इसका आई है जो कैसा हो गया। फर्स्ट, सेकेंड हम लोग जानेंगे कि इसका जो लिपस्टिक कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है, जो इसका लिप है उस पर हम लोग कलर कैसे करेंगे, चलिए उसको भी हम बता देते हैं। तो उसके बाद हम इसको सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना होगा, तो इसको सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, ये मर्क्यूरी टूल है इससे, या पॉलीगोनल लासो टूल से, और इसको आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ऐसे सिलेक्ट कर लेना होगा। इसको बारी बारी से आप सिलेक्ट कीजिएगा, जितना अच्छा से इसको आप सिलेक्ट कीजिएगा ना उतना ही अच्छा इस पर काम होगा, ठीक। तो इस पर आप है जो माउस पे आपका पकड़ होना चाहिए, और उसके बाद ही जैसा कि इसको हम देखिए सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद इसमें रेड हमको फिल करना है, बोले तो अंदर है वो, तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, ठीक। अब देखिए, इसका ओपेसिटी पहले से ही कम था, यहाँ से हम जो इसका जो किए हैं लिपस्टिक वाला, इसमें ही इसका कम था ओपेसिटी, ठीक, पहले आपको ऐसा आएगा, ठीक। तो इसको क्या करना है, हल्का इसका ओपेसिटी कम कर लेना, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको कम कर सकते हैं, ठीक, जितना आपको ज़रूरत हो उतना इसको कम कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से कम कर सकते हैं, ओके कर दिए, कंट्रोल डी से डिसलेक्ट, आप देख सकते हैं इसको लिपस्टिक भी लग चुका है। देखिए, पहले ऐसा यहाँ से, नहीं पहले आप नहीं जाएगा, पहले ऐसा फिर आप ऐसा, ठीक, कंट्रोल डी से डिसले। तो इस प्रकार से आप लिपस्टिक है जो लगा सकते हैं। अब तीसरा हम लोग जानते हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति के शर्ट का कलर किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ से आना है, और बाय द वे यही पिक्चर हम ले लिया, इसको हम क्या करते हैं सिलेक्ट करते हैं, हम ही हैं, ठीक है, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग चले आएंगे और इसको क्या करते हैं सिलेक्ट करते हैं। इस प्रकार से देखिए, लेयर बैकग्राउंड वाला लेयर ही होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ से चले आएंगे और इस प्रकार से इसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जितना अच्छा से ये सिलेक्ट होगा उतना ही आपका अच्छा काम होगा। देखिए, कोई भी सिलेक्शन अगर गलत हो गया तो इसको हम जो आप बैक स्पेस से पीछे जा सकते हैं। अब ये तो हो गया, अब इसमें ये हाथ है, इसका कलर भी ऐसे में हो जाएगा क्योंकि पूरा सिलेक्शन है, तो इसको हाथ को हटाना है तो कैसे हटाएंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ से सबस्ट्रैक्ट सिलेक्शन पे आएंगे, और अल्ट के साथ इसको हम करेंगे सिलेक्शन, ठीक, अल्ट के साथ जब इसको आप सिलेक्शन कर लीजिएगा, इस प्रकार से ये जो सिलेक्शन हो चुका है, अब क्या करना है हमको, कंट्रोल प्लस बोलते कंट्रोल को दावे रहना है, और यू बटन प्रेस करना है, और इसके बाद यहाँ से आप इसका है जो
कलर है जो चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ शर्ट का कलर है जो चेंज हो चुका है, ठीक। यहाँ से है जो कलर, ये है जो, यहाँ से आप कलर इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक, अपने हिसाब से आपको जैसा कलर चेंज करना है। देखिए हो रहा है कलर चेंज, तो इस प्रकार से आप शॉर्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, जिसमें हम लोग फेस साफ़ करना देखेंगे, फेस को किस प्रकार से साफ़ किया जाता है, तो इसके लिए क्या करना है। बाय द वे ये फोटो है, ठीक, वैसे तो ये साफ़ है ही, बट हम ले लिए, ठीक है। और इसके बाद इस पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो इस पर लाइट देना चाहते हैं, तो इसका जितना जो स्पेस है जिसमें आप लाइट देना चाहते हैं, उतना स्पेस को आप क्या कीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस प्रकार से इसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक, इस प्रकार सेलेक्ट कर लिए। अब इसमें क्या करना है, आपको कंट्रोल के साथ एम बटन प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ एम बटन। अब यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ से देखिए लाइट देना चाहते हैं हल्का, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, डिम कर सकते हैं। देखिए जैसे हल्का इसमें लाइट हम दे दिया, कंट्रोल डी से डिसलेक्ट। तो इस प्रकार से आप किसी भी फोटो पे है जो लाइट दे सकते हैं, डैट मीन्स आप उसको थोड़ा आप हाईलाइट कर सकते हैं देखने में, ताकि अच्छा लगे। अब इसके लिए जो नेक्स्ट है, जिसके लिए फ़ोटो एक ले चुके हैं, जैसा कि इसका बैकग्राउंड में ये लगा हुआ है कंप्यूटर सिस्टम, ठीक, बट इसको क्या चाह रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर हो जाए तो अच्छा लगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको यहाँ से जो पॉलीगोनल लासो टूल पे आके, और आने के बाद इसको हमको क्या करना होगा, फ़ोटो को सबसे पहले इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। अब ये फ़ोटो को ऐसे करके सिलेक्ट कर लीजिएगा, जितना ही अच्छा से इसको आप सिलेक्ट कीजिएगा, देखने में ये उतना ही अच्छा लगेगा और उतना ही मज़ेदार लगेगा। इसको सिलेक्ट करने के लिए यदि कोई भी पॉइंट आपको न दिखाई दे, तो उसमें कंट्रोल प्लस करके भी देख सकते हैं। अब देखिए इसको हम सिलेक्ट कर लिए, अब हमको बाहर का ब्लर करना है ना, हम तो अंदर के कर लिए सिलेक्ट, तो बाहर के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई बटन को प्रेस करेंगे, ठीक, ये कंट्रोल शिफ्ट आई बटन को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आपको देखिए सिलेक्शन मेरा उतना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि फास्ट से किए हैं, आप कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग ब्लर में आएंगे, देखिए यहाँ पे चले आएंगे कहाँ, तो फिल्टर पे और ब्लर पे और गॉसियन ब्लर पे आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ से इस प्रकार से आप कम बेस करके इसको ब्लर कर सकते हैं। देखिए ब्लर करने के बाद आपका फ़ोटो थोड़ा अट्रैक्टिव लगने लगेगा, क्योंकि लगता रहता है फ़ोटो, हाँ इस पर है अट्रैक्टिव लगने लगता है। तो देखिए इसमें वैसा टिप्स और ट्रिक जाने हैं, जिसके माध्यम से आप फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं, फ़ोटो में चार चांद लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि यदि आप फोटोशॉप के टूल के बारे में नहीं देखे हुए, तो आपके जो स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है, वहाँ से जाके देख सकते हैं फोटोशॉप के टूल के बारे में, वहाँ विस्तार से बताए हुए। हम लोग मिलते हैं वहीं पर।